नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। प्राइवेसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है और इसकी अहमियत हर बंदे की लाइफ में होती है। सबको प्राइवेसी चाहिए और उससे ही रिगार्डिंग बहुत सारे ऐसे ऐप्स जिन पर हम ट्रस्ट करते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। उनमें से एक अपना मियाँ व्हाट्सएप था। व्हाट्सएप पर दोस्तों आपको बताया एंड टू एंड एनक्रिप्शन की वजह से लोग इतना ट्रस्ट करने लगे कि आज आपको बताया ग्लोबली हर महीने 2 बिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर्स है। दूसरी तरफ टेलीग्राम पर 200 से 300 मिलियन हो गए तो सिग्नल पर 10 से 20 मिलियन हो गए। यही एक वजह थी व्हाट्सएप की जिसने इतनी ऑडियंस को अट्रैक्ट किया था। और जब से ये व्हाट्सएप का न्यू प्राइवेसी लॉ क्या आया, लोग कंफ्यूज हो गए, बवाल मच गया ग्लोबली कि भाई करे तो क्या करे, कंफ्यूज हो गए कि सांस कहां से ले। और जी हाँ, लेकिन उसके बाद व्हाट्सएप के जो कौन थे, वो हेड थे, उन्होंने बताया कि नहीं ऐसा नहीं, पहले भी एनक्रिप्टेड था, अभी भी एनक्रिप्टेड है, वो कुछ और ही चीज है जो वो लोग चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उसको अभी भी डिनाई करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको 4 ऐसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव मैसेजिंग एप्स के बारे में बताता हूँ जिसको आप व्हाट्सएप के अलावा इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, बीच में हमने एक पोल रखा था, आपसे पूछा था कि क्या आप व्हाट्सएप को डिलीट कर देंगे या यूज करना बंद कर देंगे वगैरह, तो बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। मेरे लिए भी वही बात है कि इट्स नॉट पॉसिबल। इतने फैमिली मेंबर से, इतने फ्रेंड से, इतना बिजनेस से, क्या कुछ नहीं हो रहा है हमारे साथ व्हाट्सएप पर, हम कैसे उनको छोड़कर दूसरी जगह जा सकते हैं। वहां से बाहर दूसरों को लाना और ये कम्युनिटी पूरी वापस बिल्ड करना, ये बहुत मुश्किल है। और यही चीज का फायदा फेसबुक ने वक्त पर उठाया है और मेरे ख्याल से हमारी गवर्नमेंट को दखल अंदाजी करनी चाहिए। जैसे कि यूरोप में ये कानून लागू नहीं है व्हाट्सएप का, जो न्यू प्राइवेसी लॉ है मैं उसकी बात कर रहा हूं, ये इंडिया में हुआ है। अब जैसे कि हम पबजी बैन किए, दूसरे चाइनीज एप्स को बैन कर रहे हैं, उनको वार्निंग दे रहे, आई थिंक मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को फेसबुक को फोर्स करना चाहिए कि आप जो कर रहे हो आपकी ऑडियंस के साथ में, स्पेशली इंडिया में, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट को एंटर करना चाहिए बीच में। लेकिन खैर, बात करते हैं ऑल्टरनेटिव एप्स की। व्हाट्सएप के साथ साथ आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्ट्स है। अगर आपको शक है कि नहीं व्हाट्सएप में मुझे नहीं बात करनी है, मुझे दूसरे ऐप्स के अंदर बात करनी है, तो सबसे पहला जो ऐप है जो मैं आपको रेकमेंड करता हूं वो है सिग्नल। अब ये जो ऐप है दोस्तों 2014 से, जी हाँ, लेकिन ये तब मशहूर हुआ जब व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी लॉ आई और तब हुआ जब इलॉन मस्क ने ट्वीट करा और बोला यूज सिग्नल, लोग टूट पड़े इस ऐप के ऊपर। अब इस ऐप की खासियत ये दोस्तों कि बड़े बड़े लोग आज इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जर्नलिस्ट, एकेडमिक्स में वगैरह वगैरह। और इसके अंदर दोस्तों एंड टू एंड इंक्रिप्शन आपको बहुत ही अच्छा मिलता है। इनफैक्ट ऐसा बताया जाता है कि व्हाट्सएप के अंदर जो चैट्स बैकअप होते हैं ना, वो इंक्रिप्टेड नहीं होता है। चैट्स तो इंक्रिप्टेड होते हैं, लेकिन जो बैकअप्स होते हैं वो इंक्रिप्टेड नहीं होता है। यहां पर तो सब कुछ आपको इंक्रिप्टेड मिलता है। जी हाँ, हालांकि इसमें भी इंटरफेस व्हाट्सएप जैसा ही है, साथ में आपको ग्रुप वगैरह बनाने का मौका मिलता है। और उसके अलावा इसमें एक सील्ड सेंडर वाला फीचर है। बेसिकली ये वैसे ही काम करता है जैसे व्हाट्सएप का एंड टू एंड इंक्रिप्टेड। तो ये एक ऐप ऐसा है दोस्तों जहां पर आप अपने आप को सिक्योर फील कर सकते हैं और बेझिझक इसमें चैट्स वगैरह कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा कॉन्टैक्ट है जिसके साथ आपको एकदम गहरी चैट करनी है, तो आप उसको यहां पर बुलाकर उसके साथ में बातचीत कर सकते हैं। उसके बाद लेजेंड्स, यस आई नो आई एम कमिंग, टेलीग्राम दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मैसेजिंग ऐप है, मैं ऐसे कहूंगा, आफ्टर व्हाट्सएप। इसकी तादाद बहुत बढ़ रही है और एकदम ओपन ऐप है, बिंदास। जैसे iOS होता है ना और फिर एंड्रॉइड, कितनी फ्रीडम है, वैसे मुझे टेलीग्राम लगता है। टेलीग्राम में दोस्तों आप जब भी कोई फाइल शेयर करते हैं, सबसे बढ़िया चीज है आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो कंप्रेस करके भेजिए, जैसे कि व्हाट्सएप में कंप्रेस ही होता है, इसमें नॉन कंप्रेस वाला भी ऑप्शन मिलता है, फुल साइज आप फाइल भेज सकते हैं। यहां पर आपको जो ग्रुप की लिमिट है वो 2 लाख तक मिलती है, जबकि व्हाट्सएप में तो आई थिंक 256 समथिंग कुछ लिमिट होती है। उसके अलावा दोस्तों 1.5 GB तक की फाइल आप भेज सकते हैं। व्हाट्सएप में तो कुछ 16 MB है मल्टीमीडिया और 100 MB आई थिंक डॉक्यूमेंट्स है, तो ये तो 1.5 GB तक की फाइल भेजने का आपको मौका देता है। यहां पर आपको यूनिवर्सल सर्च मिलता है, जो चीजों के बारे में आप चाहो सर्च करें आप कर सकते हैं। हाँ, यहां पर लेजेंड्स एंटर करते हैं। लेकिन ये जो ऐप है बाय डिफॉल्ट एंड टू एंड एनक्रिप्टेड नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, यहां पर आपको सेटिंग्स में सीक्रेट चैट करके एक ऑप्शन मिलता है, आपको उसको ऑन रखना है। उसके बाद जब आप उसमें चैट करते हैं तो वो एनक्रिप्टेड है और उसकी गारंटी टेलीग्राम वालों ने ये लिया कि उससे रिगार्डिंग अभी तक हमने 0 bytes ऑफ डेटा हमने शेयर किया, मतलब हमने कभी मौका ही नहीं मिला किसी के साथ हमारे डेटा को शेयर करने की, ऐसा उन्होंने गारंटी लिया। उसके अलावा दोस्तों वैसे इसमें स्टेटस वाला फीचर नहीं है, वो तो सिग्नल में भी
नहीं मिलता है जो आजकल व्हाट्सएप में हम यूज करते हैं। और फाइनली दोस्तों, इस पर आप चैनल भी खुद के क्रिएट कर सकते हैं। हमारा भी चैनल है टेक्नो रुवेस, जी हाँ, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ऊपर की तरफ जाइए, फॉलो करिए, वहां पर बहुत सारे कंटेंट्स अपलोड करते हैं। तो मेरे ख्याल से टेलीग्राम मस्त फुल एंटरटेनमेंट वाला मैसेजिंग ऐप है, सेफ भी है, आप जाके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा जो ऐप है दोस्तों, वो ऐसा क्लासिक है दोस्तों, मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद आया है और मैं लगभग 10 साल से पिछले 10 साल से इस ऐप के बारे में जानता हूं और एक टाइम पर मैं इसी का इस्तेमाल करता था। जब से ये व्हाट्सएप आया उसके बाद मैंने इस ऐप को छोड़ा, और ये है वाइबर। वाइबर के बारे में आपने सुना ही रहेगा, बहुत ही कमाल का ऐप है। और एक टाइम पर दोस्तों स्पेशली लोग इस समय कॉलिंग वगैरह बहुत करते थे, जब मेरा भाई लंदन में था उस वक्त की बात कर रहा हूँ, हम यही ऐप इस्तेमाल करते थे मोबाइल में और इसी से कॉल वगैरह करते थे। और इसका इंटरफेस भी बहुत ही कमाल का है, और इसकी अच्छी बात यह कि ये एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी का कोई पंगा नहीं होगा। इस पर आपको बहुत सारे जिप्स मिलते हैं, स्टिकर्स वगैरह मिलते हैं, और काफी सारे कमाल के फीचर्स मिलते हैं। इसमें भी आप अलग अलग तरीके के ग्रुप्स बना सकते हैं, और साथ में दोस्तों इसमें आपको वाइबर आउट करके एक फीचर मिलता है। बेसिकली अगर इनकेस आपके पास इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट के अलावा अगर आपको किसी को कॉल करना है तो वो उसके लिए कुछ चार्जेस लेते हैं, और आपको मौका मिलता है तो आप उसके बाद कोई भी लैंडलाइन नंबर हो या नॉर्मल नंबर हो, बिना इंटरनेट के पैसे देके फोन कर सकते हैं, तो ये भी एक मौका आपको उसमें मिलता है। साथ में सेल्फ डिस्ट्रक्शन मैसेजेस, ये भी आपको मिलता है, भेजने के बाद जब चाहे आप वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके अलावा ट्रस्ट लिस्ट करके एक फीचर है, जहां पर जिन जिन लोगों को आपने मार्क किया है उन्हीं की तरफ से आपको मैसेज मिलेगी, बाकी कोई आपको तंग नहीं करेगा। और उसके अलावा आपको गेम्स वगैरह भी एक्स्ट्रा मिलते हैं, उसका भी उन्होंने ख्याल किया। तो वाइबर भी दोस्तों बहुत ही कमाल का क्लासिक सिक्योर ऐप है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और फाइनल जो ऐप है दोस्तों, हालांकि मैं हाइक की बात करने वाला था लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा मुझे कल पता चला कि हाइक जो ऐप है वो अभी जनवरी में ही बंद होने वाला है। उनके पास इतने ऑडियंस होने के बाद भी दिन के सिर्फ 35 मिनट उस ऐप में लोग ऑन एवरेज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जितना हम सोचे तो उतना मशहूर नहीं हो रहा है। मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि एक इंडियन कंपनी, इंडियन ऐप है, वो नहीं चल रहा है। हालांकि ये इतना मशहूर ऐप था कि इसमें स्टिकर्स तो मतलब सबसे किंग थे, जबरदस्त स्टिकर्स देते थे। अनफॉर्चुनेटली हाइक बंद हो रहा है, इसके लिए मैं उसके बारे में नहीं कहूंगा, हम बात करेंगे जियो चैट्स, ये भी देसी है। और ये व्हाट्सएप जैसा ही सेम इंटरफेस लेके आ गया दोस्तों, पूरा का पूरा वैसी फील आता है। इसमें भी ग्रुप्स वगैरह आप बना सकते हैं, कॉल वगैरह करना आप वो भी कर सकते हैं। बेसिकली इसमें अगर इंटरनेट नहीं हो तो आपको वो फ्री एसएमएस का भी मौका देता है, 100 SMS कुछ फ्री देता है, तो यहां वहां आप वो कर सकते हैं। इसमें वैसे स्टोरीज वाला एक फीचर मिलता है लेकिन आप खुद की स्टोरीज नहीं डाल सकते, ये व्हाट्सएप स्टेटस जैसा लग रहा है लेकिन वैसा नहीं है, दूसरे की स्टोरीज आप देख सकते हैं। और इसके अंदर दोस्तों आपको एक चैनल वाला फीचर मिलता है, बेसिकली आप अगर बीबीसी या बड़े बड़े जो चैनल्स हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं, जो भी है कुछ वैसा उन्होंने आपको इस तरीके का फीचर दिया है। तो हाँ, जियो चैट भी व्हाट्सएप जैसा ही मिमिक करता है लेकिन सिक्योरिटी की यहाँ पर कोई बात नहीं है, ये एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, नहीं है, इसके बारे में बेसिकली उन्होंने कुछ बताया नहीं। तो हाँ, अगर आपको एक देसी मैसेजिंग ऐप ट्राई करना है तो आप जियो चैट से यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। तो ये थे दोस्तों वो चार बेस्ट ऑल्टरनेटिव मैसेजिंग ऐप, जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट्सएप के साथ साथ आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। धीरे धीरे अगर आपको लगता है कि व्हाट्सएप में हमारा काम नहीं चल रहा है, डर लग रहा है, तो आप धीरे धीरे उन लोगों को यहां पर स्विच कर सकते हैं जो काफी सेफ और रिलायबल है, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए लाइक करिए, आपकी कराइए वो भी बताइए, और आप कौन सा मैसेजिंग ऐप यूज कर रहे हैं व्हाट्सएप के अलावा उसके बारे में जरूर से बताना। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।